अक्सर आपने देखा होगा लोगों को अपने घरों में कुत्ते पालना बहुत ही पसंद होता है, उनके साथ खेलना और खुद के लिए उनके प्यार के कारण लोग इससे दोस्ती भी करते हैं। दोस्तों, कुत्तों की जो छठी इंद्रिय होती है वो बहुत अधिक विकसित होती है, इसलिए जब भी कोई अपशगुन होने वाला होता है तो ये रोना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुत्ते का रोना शुभ नहीं माना जाता है और लोग आशंकित हो उठते हैं और समाज में कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है ऐसा वो समझ जाते हैं। रोने के अलावा कुछ और भी संकेत हैं जो बिल्कुल शुभ नहीं माने जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उनसे जुड़े हुए शुभ और अशुभ प्रभाव। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यूँ तो हम सभी जानते हैं कुत्तों का जो भौंकना है वो एक सामान्य सी घटना हो सकती है, लेकिन जब कोई कुत्ता दिन में आसमान की ओर मुख करके बार बार भौंकने लगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कुत्ता आपसे कहना चाह रहा है कि आने वाले दिनों में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकती है। यदि आप किसी भी जरूरी काम से बाहर जा रहे हों और रास्ते में कोई भी कुत्ता आपके सामने ज़मीन पर लौटने लग जाए तो समझ लीजिए कि वो आपसे कह रहा है कि आपके काम नहीं बनने वाले हैं। कुत्ते का शरीर फड़फड़ाना भी इसी प्रकार का संकेत देता है। अगर कुत्ता अपने दोनों कान फड़फड़ा रहा हो या फिर हिला रहा हो जोर जोर से, तो समझ जाएं आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं उसे अभी कभी टाल दें। दोस्तों, ऐसा संकेत जो होता है वो ये बात बताता है कि आपका कार्य तो बनेगा ही नहीं और इसके साथ ही इसमें आपको नुकसान भी होगा। यदि कोई भी कुत्ता आपका चप्पल या जूता लेकर भागने लगे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये संकेत होता है आर्थिक नुकसान होने की ओर। इसके साथ ही यदि कहीं यात्रा में जाना हो तो यात्रा भी स्थगित कर दे, किसी भी दुर्घटना की ओर भी ये इशारा होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।